पवन कुमार, सेंट्रल कमेटी मेंबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा। पवन जी, बहुत बड़ी मतलब एक असंभव को सक्सेस करने के लिए आप लोग अभियान, बंगाल में भी अपने पार्टी के अपने कैंडिडेट उतारा था और इधर आपको ओडिशा चुनाव जो बीजू जनता दल है उनको भी आपने अपने टारगेट में रखा है, लेकिन उसकी तैयारी आपने विधानसभा लोकसभा को टारगेट क्यों किया? वहाँ के नगर निगम चुनाव हो गया, पंचायत चुनाव, उसमें आपने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया? आपके जानकारी के लिए बता दें कि हमने 90 सीट पर जिला परिषद का चुनाव लड़ा पूरे ये में, पूरे राज्य में जो दीदी के नेतृत्व में हुआ। इसके पहले आज तक झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ पर 4-5 सीट पर जिला परिषद का चुनाव लड़ता था और हमने सुंदरगढ़ और मयूरभंज में बीजेपी का खाता नहीं खुलने दिया, जो भारतीय जनता पार्टी 47 सीट पर 2019 में जीती थी, जिसके 4 MLA थे, 1 MP आज वर्तमान में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 50 सीट पर लड़कर 1 सीट पर उनको जीतने का मौका नहीं दिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता है, जिला परिषद का सीट वहाँ पर जीता है और सभी सीट पर 90% सीट पर हम सेकंड पोजीशन पे आए हैं। ये तो हमारा मयूरभंज का रहा। सुंदरगढ़ में भी हमने चुनाव लड़ा, सुंदरगढ़ में भी हमने उसी 19-20 में रहा है, लेकिन वहाँ भी हमने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी रही युवाओं और यंगस्टर। हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं सबसे पहली बात है, और झारखंड में आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री ने 2019 में जनता से जो कमिटमेंट किया था, इस कोविड काल और ईडी काल दोनों के समय में हमारे मुख्यमंत्री ने 365 दिन अपना जीवन जनता को दे दिया। प्रतिदिन आप उनको देख रहे होंगे कि राज्य के किसी न किसी क्षेत्र में हैं। आदिवासी में भी अगर देखा जाए तो देश के लेवल पर भी देखा जाए तो हमारे युवा मुख्यमंत्री से बेहतर आदिवासी नेता कहीं कोई नहीं है, दूर दूर तक किसी के नज़र में नहीं है। और उसी का परिणाम है कि महिम ने हमारे मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया, हमारे मुख्यमंत्री ने वहाँ गए और आपने जो तस्वीर अखबार में सोशल मीडिया में देखा कि अमेरिका का राष्ट्रपति से हमारे मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारे राज्य के लिए, हम आदिवासी समाज के लिए, कि हमारा समाज का युवा चेहरा आज पूरे देश में एकमात्र है, वो हेमंत सोरेन है। पवन जी, बहुत ही अच्छा फोटो लगा हेमंत सोरेन जी और नीतीश सोरेन जी का और राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ, और इसका उल्टा आकलन भी लगाया जा रहा है, और ये क्या मतलब है? फोटो से क्या सोचा जाए कि फोटो से तो कुछ पता नहीं चलता है कि नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन जी को क्या NDA सरकार तोड़ के अपने पास लाने का कोशिश तो नहीं कर रही है? कुछ लोग विरोधी जो हैं वो राष्ट्रपति के यहाँ जब भोज हो रहा है उसमें भी तोड़ फोड़ की राजनीति के बारे में सोच रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने महामहिम के बुलावे पे गया और वहाँ चूंकि पूरे वर्ल्ड के लोग आए हुए थे और उस वो जो माहौल था उस माहौल में सिर्फ और सिर्फ मिलने जुलने का कार्यक्रम था। वहाँ नो कोई पॉलिटिकल डिस्कस किसी के साथ ना कोई करना चाह रहा था ना कोई किया है। आपने हमारे हेमंत सोरेन, झारखंड के हेमंत सोरेन ने बहुत ही अच्छा बात बोला, चाहे ईडी हमें जेल भी भेज दे और मैं अपनी काम करता रहूंगा, तो इतना कॉन्फिडेंस, इतना अच्छा सोच उनको कैसे आता है? जनता से जो आदमी रात दिन जनता के बारे में सोचेगा उसके पास ये कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। जब कोई मुख्यमंत्री अगर किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति से मिल रहा है तो जरूर ये इतना तो जरूर बोलता होगा कि आप आइए हमारे राज्य भी एक बार घूमने के लिए, ये एकदम स्वाभाविक सवाल है और स्वाभाविक जवाब है। कोई भी मुख्यमंत्री आज हमारे घर पे कोई आता है तो हम कोई आता है ये तो हम बोलते हैं कि आइए सर हमारे भी घर पे थोड़ा घूम लीजिए, तो जब आप दिल्ली आए हैं तो सर थोड़ा झारखंड भी घूम लीजिए, आइए झारखंड को देखिए, हमने 4 साल में झारखंड में क्या क्या किया है
और आज तो हमको पूरे हिंदुस्तान को गर्व होना चाहिए कि टाटा मोटर्स ने जो बनाई है अभी इंजन बनाने के लिए, जो झारखंड सरकार ने जो एमओयू साइन करके उनके साथ जो ये किया है, ये हाइड्रोलिक इंजन, हाइड्रोजन इंजन, हाँ ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूरे राज्य का युवा हमारे साथ है, पूरे राज्य का युवा हेमंत सोरेन के साथ चल रहा है और चलेगा, जिसका जीता जागता उदाहरण आपने डुमरी में अभी देखा। पूरा विपक्ष कैंप लगा के बैठा हुआ था, पूरा सरकार कैंप लगा के वहाँ पर बैठा हुआ था, केंद्र सरकार पूरे के पूरे सिस्टम को वहाँ लेकर के बैठी हुई थी। एक हेमंत सोरेन ने प्रतिदिन जा करके उस चुनाव को जिता करके जनता को दिखा दिया, सरकार रिपीट करने जा रही है और पूर्ण बहुमत से रिपीट कर। जब पूरे देश में गैस के लिए हाहाकार मच रहा है, तब आपको आज चैन आया कि 200 रुपया कम कर दिया। 200 रुपया कम कर देने से क्या होगा? आज आप ग्रामीण इलाकों में जाकर देखिए, आपने जो फ्री में गैस दिया उसका क्या रिजल्ट है। पवन जी, एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी इंडिया के तरफ से जो विपक्षी पार्टी है एनडीए के छोड़ के बाकी जो पार्टी, उसमें हेमंत सोरेन जी को वर्तमान मुख्यमंत्री और झारखंड सरकार के को उनको समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया, कोऑर्डिनेशन बनाया गया, तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इधर सरकार चलाना, इधर ईडी, इधर इतनी बड़ी जिम्मेवारी, हेमंत सोरेन जी उसको कैसे निभाएंगे? लोग को भय होता है कि आदिवासी है, ठीक है, जो जनरल लोग हैं उनको भय होता है कि आदिवासी ये काम कैसे करेगा। लेकिन जब हेमंत बाबू ने सत्ता संभाला, जिस दिन से संभाला उस दिन से इस राज्य का प्रतिदिन विकास हुआ है, प्रतिदिन विकास हुआ है। इसीलिए आज हम लोग, आप देख रहे होंगे कि आज हजारीबाग में कार्यक्रम है, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा चाईबासा में कार्यक्रम है, कल हमारा सबुआ हांसदा शहीद दिवस है। तो प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम हमारा है और हम वो कार्यक्रम जनता के लिए है, सरकार जनता के दरवाजे पे है और जनता को जो भी तकलीफ है उसके लिए हेमंत बाबू दिन रात चिंता कर रहे हैं कि कैसे हम और इन लोगों को सुख सुविधा दे सके, इंक्लूडिंग उड़ीसा। पैदल घुमा है, एक एक गली, रोड, नाली, पुल, पुलिया, कहाँ तालाब है, किस गांव में है, किस गांव में कौन मुखिया है, कौन सरपंच है, गुरुजी के दिमाग में है। तो जिसके पिता के पास इतना बड़ा नक्शा है पूरे राज्य का, उनके बेटे को हिम्मत अपने पिता से मिलता है। इसलिए हेमंत बाबू प्रतिदिन, आप लोग कभी ना कभी मीडिया में भी देखते होंगे कि गुरुजी के पास आए हैं, गुरुजी के पास आए हैं, दो घंटा बैठे हैं, बात किए हैं, राज्य के बारे में बात किए हैं, जिला के बारे में बात किए हैं, हर मुद्दे पर बात किए हैं। तो हिम्मत तो अपने आप मिलेगा, ये गर्व है हम लोगों के लिए भी, हेमंत बाबू के लिए भी। एडी लाइव को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।